सो हेलो गाइस, मैं विकास शाह एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ बियॉन्ड द ट्रेड में। गाइस, आज हम जुबिलेंट फूड वर्क्स का एक स्विंग ट्रेड एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस द्वारा किस प्राइस पे हम जुबिलेंट फूड वर्क्स को बाय कर सकते हैं, क्या टारगेट हमें यहाँ पर मिलेगा और क्या स्टॉप लॉस हम यहाँ पर इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स एक स्विंग ट्रेड हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस हाई से ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, साथ में यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है एट 3652.80। तो यहाँ पर जो लास्ट रेजिस्टेंस है ये हम मार्क कर देते हैं, दैट इज एट 3674.90। ऑलराइट, चलिए अभी हम यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस लेंगे, क्या टारगेट हम इसके लिए लगा सकते हैं और इस ट्रेड के लिए क्या रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा एक कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो जब 3675 के ऊपर 1 आवर एक कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो उसके बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन लेंगे। देखते हैं स्टॉप लॉस इसके लिए हम क्या ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें लगाना है इस ट्रेंड का लास्ट स्विंग का जो लो है 3490 स्टॉप लॉस हम कंसीडर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें कितना रिस्क हमें मिल रहा है और सामने रिवॉर्ड हम कितना इसमें ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रिस्क है वो नियर बाय 5% के आसपास है। अभी इसका टारगेट हम लगाएंगे, वी शुड कंसिडर द टारगेट एट 4050। 4050 का टारगेट हमें यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस द्वारा जुबिलेंट फूड्स में हमें मिल रहा है। चलिए एक बार लेवल्स में वापस रिपीट कर देता हूँ। बाइंग हमें करना है जब जुबिलेंट फूड्स में 3675 के ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर बाइंग एग्जीक्यूशन करेंगे। स्टॉप लॉस हमें लेना है 3490 का और टारगेट हम ले सकते हैं 4040 से 4050, 4040 से 4050 का यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे। इस ट्रेड से रिलेटेड कुछ की हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मिला हमें, साथ में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना उसका ब्रेकआउट हमें मिला, एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है उसका ब्रेकआउट हमें मिला। सो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो ये जुबिलेंट फूड वर्क्स का हमारा टेक्निकल एनालिसिस था एक स्विंग ट्रेड के लिए। सो आई होप गाइस लेवल्स पूरी तरह से आपने सुने और समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह से और भी नए वीडियोस के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, बाय बाय।